नमस्कार दोस्तों, आरएस टेक इन्फोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब इस वीडियो में बात करेंगे जियो के धनाधन ऑफर और जियो समर सरप्राइज ऑफर दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, हम सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो देखते रहिए आखिरी तक। सब्सक्राइब कीजिए आरएस टेक इन्फोस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जियो ने जियो का नया ऑफर निकाला है, जियो धनाधन ऑफर, जिसमें आपको 3 महीने के लिए इंटरनेट अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है 309 रुपये में। और इसके पहले जियो ने निकाला था जियो समर सरप्राइज ऑफर, जिसमें आपको 303 का रिचार्ज करते थे, उसमें भी आपको 3 महीने के लिए फ्री सर्विस इंटरनेट की मिलती थी। तो हम बात करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि आप जियो के ये नया ऑफर, जियो धनाधन ऑफर, अगर आप रिचार्ज कराते हैं 309 रुपये का, तो आपको 3 महीने तक के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है। यानी 3 महीने, यानी इनका 3 महीना, 1 महीना 28 दिन का होता है, यानी 3 महीना 84 डेज के लिए आपको मिलता है। जबकि जियो समर सरप्राइज में आप 303 का रिचार्ज कराते थे तो 3 महीने आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलते थे। यहाँ पे देखिए, इंजॉय 3 मंथ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, मतलब 3 महीने आपको एडिशनल मिलता था, यानी 90 दिन आप यूज़ करने के बाद आपको 303 रुपये का जो बेनिफिट है वो आपको 1 महीने के लिए और मिलता है। यानी आपको 90 दिन प्लस आपको 28 दिन जो उनका 1 महीना होता है, यानी 118 दिन के लिए आपको रिचार्ज मिलता है। हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपने जियो प्राइम मेंबरशिप ले ली है और आपको आगे रिचार्ज कराना है तो आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर 309 रुपये का रिचार्ज कराना होगा। इसमें देखिए, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है, 28 दिन में आपको 28 GB मिलता है, लेकिन यहाँ पर ये जियो धनाधन ऑफर जो है उसमें आपको 84 डेज़ के लिए 84 GB मिलता है, यानी हर दिन आपको 1 GB तक का इंटरनेट मिलता है। और ये इंटरनेट सिर्फ फर्स्ट रिचार्ज के लिए, अगर आपने इसके पहले 303 का रिचार्ज करा लिया है जियो समर सरप्राइज ऑफर में, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा 84 डेज़ का, तो आपको ये नॉर्मली यही मिलेगा। यानी आप 303 का रिचार्ज करने के बाद आपको जो 3 महीना फ्री मिला है, और उसके बाद आपको 28 डेज़ का इसका बेनिफिट मिलेगा, और 28 डेज़ के बेनिफिट मिलने के बाद आपको ये 28 डेज़ का बेनिफिट मिलेगा आगे जाकर, तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है अगर आपने ऑलरेडी रिचार्ज करा लिया है। तो आपको अगर और 1 महीना चाहिए तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये 3 महीने का बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आपने जियो प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है तो आपको क्या करना, अगर आपने नहीं ली है तो आपको ये 303 का रिचार्ज करना है। देखिए, यहाँ पे 303 का रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पर जियो प्राइम मेंबरशिप भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये टिक आप नहीं निकाल सकते, ये विदाउट जियो प्राइम मेंबरशिप के आपको ये प्लान का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर बाय करेंगे तो आपको देखिए डायरेक्टली 408 का रिचार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको बोलेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जियो चाहता है कि उसके सभी कस्टमर जियो प्राइम मेंबरशिप में इनरोल हो और 1 साल का बेनिफिट ले। मुझे लगता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर आपके कोई डाउट्स नहीं क्लियर हुए तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं इस वीडियो के, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके सुझाव कमेंट में लिखना ना भूलें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं ऐसे जियो के बारे में और भी न्यूज़ लाता रहूँगा। धन्यवाद।